अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी हंगामे के आसार। मणिपुर मामले में चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कल हंगामे के बाद स्थगित हो गई थी दोनों सदनों की कार्यवाही। मणिपुर दरिंदगी मामले में राज्यपाल के बयान के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। सदन स्थगित कर चर्चा की मांग। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली थी राज्यपाल, जिंदगी में नहीं देखी ऐसी हिंसा। सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही थी। मणिपुर दरिंदगी मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज। मुख्य आरोपी समेत अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सामने आया मुख्य आरोपी के घर के जलने का वीडियो। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। निचली अदालत से मिले 2 साल की सजा के फैसले को चुनौती। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को रखा था बरकरार। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर वाराणसी की कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। वजूखाना को छोड़ पूरे परिसर के सर्वे की हिंदू पक्ष की मांग, मुस्लिम पक्ष का एतराज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकने के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी। हादसे में 16 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे सीएम, गृह मंत्री अमित शाह ने की एकनाथ शिंदे से फोन पर बात। घर देखिए किस तरीके से जब लैंडस्लाइड हुआ था तो पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उत्तराखंड से लेकर गुजरात और राजस्थान तक बारिश ने मचाया कोहराम। पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे बंद। कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। यूक्रेन के ओडिशा में लगातार तीसरी रात भी रूस का हवाई हमला जारी। क्रीमिया पर हुए ड्रोन हमले में एक प्रशासनिक इमारत ध्वस्त, एक लड़की की भी मौत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 की टीम नेपाल की राजधानी